हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में द्विगीय व्यंजकों में पदों की संख्या, डिग्री तथा उनका गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, हम किसी भी द्विगीय व्यंजक का गुणांक या उसमें कितने पद हैं, कैसे हम जानते हैं, तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं, इसमें इस तरह से हमने कुछ प्रश्न ले लिए हैं। इन प्रश्नों को हमें बारी बारी से हल करना है और बताना है कि किसकी कौन से पद हैं और उसका गुणांक क्या है। इस तरह से दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। पहले देखिए, लिखा गया है 13x। तो 13x, अब यह बताना है कि यह एक पदी है कि द्विपदी है कि बहुपदी है, सबसे पहले तो बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं, लिखा गया है 13x। 13 क्या है? 13x जो है यह एक अचर राशि है। और देखिए, x इसके साथ जुड़ी हुई है और यह है एक चर राशि। तो इसके साथ अब इसमें कोई धन और ऋण नहीं लगा है, माने इसके साथ कोई व्यंजक और दूसरा नहीं जुड़ा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह कैसा व्यंजक है। इसको हम कहेंगे यह एक पदी व्यंजक है। इसको हम लिखेंगे कि यह एक पदी व्यंजक है। और इस एक पदी व्यंजक में बताना है कि यक्ष की घात क्या है। इसमें देख रहे हैं, यक्ष एक चर राशि है और इसके साथ 13 एक संख्या और गुणा किया गया है। तो पहले बताना है इसकी घात क्या होगी। तो इसकी घात को हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी घात या डिग्री क्या होगी, तो आप बताएंगे कि इसकी डिग्री या घातांक, इसको हम डिग्री भी कहते हैं और इसको घातांक भी कहते हैं। तो डिग्री या घातांक, तो इसका डिग्री और घातांक देख रहे हैं, इसका घातांक हम एक मानेंगे। जहाँ पर कोई घात नहीं लगे रहेगा उसका हम एक लिखेंगे, तो इसका घातांक बराबर एक हो जाएगा। और अगर कहा जाए कि यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स का गुणांक क्या है, तो आप लिखेंगे कि यक्स का गुणांक इसमें है 13। लिख देंगे कि यक्स का गुणांक बराबर 13। तो इस तरह से एक प्रश्न को आपने कर लिया। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न में देखिए, लिखा गया है कि 3x-5z। अब इसमें पहले तो आपको बताना है कि यह एक पदी है कि द्विपदी है। देख रहे हैं, इसमें दो पद जुड़े हैं, एक है 3x और एक है 5z। तो इसलिए इसको कहेंगे यह दो पदी है। दो पदी हो गया, ये दो पदी व्यंजक, इसको बोलेंगे कि दो पदी व्यंजक है, दो पदी व्यंजक। अब इसके बाद, अब इसकी डिग्री क्या होगी, देख रहे हैं सबकी घात एक है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री एक हो जाएगी। अगर अलग अलग पूछा जाए कि 3x की डिग्री क्या होगी, तो इसकी भी डिग्री एक ही होगी। और इसमें यक्स का गुणांक क्या है, तो यक्स का गुणांक इसमें 3 है, आप लिख देंगे यक्स का गुणांक बराबर हो जाएगा 3। और 5z का गुणांक क्या है, तो 5z का गुणांक देख रहे हैं, इसमें 5 का जेड का गुणांक 5 है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे कि जेड का गुणांक बराबर 5 हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको ये मालूम हो गया होगा कि ये कौन सा पद है। एक देखें, एक पद ये है, एक पद ये है, दोनों को जोड़ दिया गया या घटा दिया गया, तो ये दो पद हो गया। इसको कहेंगे दो पदी व्यंजक, ये दो पदी व्यंजक हो गया। और एक घात वाला है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी एक, इसको हम डिग्री या घातांक कहते हैं। इसको हम चाहे घातांक कहें चाहे डिग्री कहें, दोनों का मतलब एक ही है। तो
तो दोस्तों इस तरह से आपको अब इसमें आपने देख लिया कि पहले वाले में केवल एक पद था, इसलिए आपने इसको एक पद ही नाम दिया। इसमें देख रहे हैं दो पद हैं, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, दो पदी है। दो पदी के साथ साथ यह एक डिग्री वाला व्यंजक है, एक घात वाला व्यंजक है। इसी तरह से हम दूसरे भी प्रश्न को हल कर लेंगे। देखिए इसमें दिया गया है कि 5x घाते 4 और 7xy घाते 2 प्लस 2x प्लस 3। तो आपको पहले बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो देख रहे हैं इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो देख रहे हैं सबसे बड़ी घात इसकी 4 है, इसलिए इस पद का, इस बीजी व्यंजक का डिग्री कितना हो गया, इस समीकरण का पूरा डिग्री 4 हो गया। अगर आपको अलग अलग से सबका निकालना होगा तो 5x घाते 4, 5x घाते 4 की डिग्री क्या होगी, 4 होगा। देखिए 7xy घाते 2 इसका डिग्री 3 हो जाएगा। इसी तरह से 2x की डिग्री 1 हो जाएगी और 3 की डिग्री 0 हो जाएगी। 3 के साथ कोई भी अज्ञात राशि नहीं लगी, इसलिए इसकी डिग्री 0 होगी। ये तो हो गया डिग्री। इसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि यक्स घाते 4 का गुणांक क्या है, तो यक्स घाते 4 का गुणांक कितना होगा, देख रहे हैं यक्स घाते 4 का गुणांक 5 हो जाएगा। और इसमें अगर पूछा जाए कि वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, तब आप बताएंगे कि 7x है। अगर पूछा जाए यक्स का गुणांक क्या है, तब आप बताएंगे कि 7y2 है। जिसका गुणांक कहा जाएगा उसको, उसके जो गुणक होंगे वही इसके गुणांक होंगे, मैंने उसके जो गुणक किए गए उसके साथ वह इसका गुणांक कहलाएगा। इसी तरह से 2x में अगर x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 2 है। और इसमें देखिए 3 के साथ कोई भी राशि अज्ञात नहीं लगी है, इसलिए इसका कोई गुणांक नहीं होगा। अगर कहा जाए कि x का गुणांक बताइए, तो यहाँ पर x का इसके साथ कुछ भी नहीं लगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 3 किसी का गुणांक नहीं है। और ये तो हो गया गुणांक। और अब आपको बताना है कि ये इसमें पद कितने हैं। तो देखिए इसमें पद, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये। तो देख रहे हैं इसमें कितने पद हैं, सब मिला करके 4 पद, 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद। तो कौन सा समीकरण हो गया, इसको कहेंगे 4 पदी। ये 4 पदी समीकरण, इसको हम कहेंगे ये 4 पदी समीकरण, ये 4 पदी समीकरण हो गया। इसी तरह से अब आप इसको 4 पदी हो गया, 4 पदी को बहुपदी भी कहा जा सकता है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं एक पदी और बहुपदी, या एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 4 पदी। एक पदी किसको कहेंगे, जिसमें केवल एक पद होगा, और द्विपदी कहेंगे जिसमें 2 पद होगा, और त्रिपदी उसको कहते हैं कि जिसमें 3 पद होगा, और चतुर्पदी या 4 पदी तो उसको कहते हैं जिसमें 4 पद होगा। तो इस तरह से दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कुछ प्रश्नों को और कर लेते हैं। देखिए जैसे देखिए लिखा गया है कि y घाते 3 प्लस 5x, तो y घाते 3 प्लस 5x, अब यहाँ पर आपको पहले इसका ज्ञात करना है कि ये कौन सा घातांक वाला है। तो घातांक या डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 3। और ये देख रहे हैं ये 2 पद वाला है, इसको कहेंगे द्विपदी, द्विपदी हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें x का गुणांक क्या है, तो इसमें x का गुणांक हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि y घाते 3 का गुणांक क्या है, तो y घाते 3 का गुणांक इसमें देख रहे हैं y के साथ कोई भी अंक नहीं लगा है, तब इसका गुणांक क्या होगा, इसका होगा 1, इसका गुणांक आ गया 1। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि ये त्रिपदी, सॉरी ये 2 पदी है, और इसमें देख रहे हैं y का गुणांक, y घाते 3 का गुणांक 1 है, और x का गुणांक 5 हो जाएगा। और डिग्री पूछी जाए, डिग्री इसकी हो जाएगी 3 की। और इसको अगर पूछा जाए कि ये 2 चर वाला है कि 3 चर वाला, तो आप इसमें देख रहे हैं 2 चर हैं, एक y है और
एक यक्ष है इसलिए इसको कहेंगे दो चर। इसी तरह से अगर जिसमें दो अज्ञात राशि होंगी तो उसको दो चर कहेंगे, जिसमें तीन अज्ञात राशियां होंगी उसको तीन चर कहेंगे, जिसमें केवल एक अज्ञात राशि होता है उसको हम कहते हैं एक चर वाला समीकरण। आशा करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। इसी तरह से अगर आपको एक केवल संख्या दे दिए जाए, जैसे सात लिख दिया जाए, नौ लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, इसके बाद पूछा जाए आपसे कि बताइए कि इसका घातांक क्या है, तो इसका घातांक यहाँ पर जीरो होगा। इसका घातांक जीरो होगा माने इसकी डिग्री जीरो हो जाएगी। और अगर इसका पूछा जाए कि किस गुणांक, इसका गुणांक माने इसके साथ कोई भी अज्ञात राशि नहीं लगी है इसलिए इसका कोई गुणांक नहीं होगा। तो इसका या और इसको कहें ये कौन सा पद वाला है, एक इसको केवल क्या है अचर पद वाला समीकरण है, इसको कहेंगे अचर पद। केवल क्योंकि क्योंकि एक ही अचर पद है इसलिए इसको कहेंगे अचर पद। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना, हमें कमेंट जरूर करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।